कब किसका आखिरी वक्त हो ये कोई नहीं जानता। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच कई जिंदगियां नजर के सामने पलक झपकते खत्म हो जा रही है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के एक नेता की ऑन कैमरा हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। हार्ट अटैक के दौरान की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। वहीं मरने वाले कांग्रेस नेता का नाम रविचंद्रन है, जो कि कर्नाटक राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संघ के सदस्य थे। ये घटना बेंगलुरु प्रेस क्लब की है, जहां कर्नाटक की राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने का विरोध करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविचंद्रन मुख्यमंत्री के पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, जिस दौरान अचानक से उनकी सीने में दर्द होने के कारण मृत्यु हो जाती है। लोग जब उनके पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी सांसें रुक गई है और धड़कन नहीं चल रही। इसकी वीडियो भी सामने आई है, एक बार पहले आप उस वायरल वीडियो को देख लीजिए। इस मामले पर शोक व्यक्त करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लिखा, राज्यपाल द्वारा अभियोजन चलाने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक एसोसिएशन की ओर से बेंगलुरु प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय एसोसिएशन के सदस्य और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता सी के रविचंद्रन का दिल का दौरा पड़ने से निधन की खबर सामने आई। आगे सीएम लिखते हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ ही रहे रविचंद्रन के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। मैं दुख की घड़ी में उनके शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के साथ हूं। बता दें कि कर्नाटक में इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा है। राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दिए जाने के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोमवार को सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिन मुख्यालयों में धरना दिया, पैदल मार्च किया और रैलियां आयोजित की, उन्होंने राज्यपाल के कदम की निंदा करते हुए हाथों में तख्तियां ले रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु, उडुपी, मंगलुरु, हुबली, धारवाड़, विजयपुरा, कलबुर्गी, रायचूर, तुमकुरा और मैसूर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के नेतृत्व में पार्टी ने विधान सौध परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और पारदर्शी तथा निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी धरने में शामिल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।